हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड 4। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सम रिवीजन, बट ओके वी विल डील फर्स्ट विद द डजन्स। डजन मतलब क्या होता है, कितना होता है। जैसे अगर आप कभी मार्केट गए हो आपके पेरेंट्स के साथ, मम्मा पापा के साथ, तो हमने कभी बनानास लाइक मैंगोज डजन में खरीदे होंगे। तो वन डजन इक्वल्स टू हाउ मच? वी कैन से वन डजन इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, एक डजन मतलब 12 होता है, चाहे वो बनानास हो या मैंगोज हो और समथिंग एल्स। एक डजन मतलब 12 चीजें होती है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। हियर 8 डजन बनानास वेयर बॉट टू गिव टू अवर चिल्ड्रंस। नाउ महेंद्र सेड वन डजन इज 12 बनानास। वन डजन बनाना मतलब कितना बनाना? 12 बनानास। हाउ मेनी आर 8 डजन? क्लियर? तो अगर एक डजन मतलब 12 बनाना है, तो 8 डजन में कितने बनानास होंगे? सो ये करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो टू फाइंड आउट वी मस्ट मल्टीप्लाई 12 बाय 8। दिस मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन यूजिंग द लेटेक्स मेथड। सो लेट यूज दिस मेथड। दिस इज द लेटेक्स मेथड, जहां पे हम नंबर्स को ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिजिट्स। लाइक 2-digit नंबर, सबसे बड़ा 2-digit नंबर, सबसे छोटा आप भी बोल सकते हो, लाइक 10 है ना, इज द फर्स्ट 2-digit नंबर। और या बोल सकते हैं हम इसे सेपरेट करेंगे तो हमेशा जीरो के हिसाब से सेपरेट करेंगे। लाइक इफ देर इज अ 32 तो हम 30 और 2 को सेपरेट करेंगे। लाइक देर इज अ 49 तो हम 40 और 9 को सेपरेट करेंगे। क्लियर? सो हाँ, टेंस वाले साइड हो जाएंगे, यूनिट्स साइड हो जाएंगे। सो यहाँ पे दिया है 12 मल्टीप्लाई बाय 8, जिसमें 12 को हम सेपरेट कर रहे हैं 10 प्लस 2। हियर इज 10, हियर इज 2, ये हो गया 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। वी विल मल्टीप्लाई दिस 8 बिकॉज हमें बोला है कि एक डजन में 12 है, तो 8 डजन में कितना होगा? सो द मल्टीप्लीकेशन सेज 8 जीरो 0, 8 वन 8, हो गया 80। नाउ 8 टू 16, ठीक है, हमने 8 से ही इनको मल्टीप्लाई किया। आंसर था 80 एंड 16। सो 18 प्लस 16 इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट्स 96। सो द आंसर इज 8 डजन बनाना मींस 96 बनानास। क्लियर किड्स? लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। लाइक कमल, नाउ आंसर दिस। स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ 15 रोज फॉर अ ड्रिल्स। देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन ईच रोज। ठीक है, कितने रोज है? 15 रोज है। एक रो में 37 स्टूडेंट्स है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर? तो सारे बच्चे टोटली कितने होंगे? सो महेंद्र सेड आई विल टेल यू। टू आंसर दिस आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 37 बाय 15। तो हम इसे नंबर्स बड़े हैं, राइट, तो हम इसे ब्रेक करेंगे। 37 को वी हैव ब्रेक लाइक 30 प्लस 7। सो यहाँ लिखा 37, ठीक है, 30 प्लस 7। नाउ 15 को ब्रेक करेंगे, 15 मीन्स 10 प्लस 5। सो हमने इस साइड लिख दिया 10 एंड 5। एक हॉरिजॉन्टल जाएगा, एक वर्टिकल जाएगा। सो नाउ वी विल सी ओनली दिस पार्ट, जिसमें हम सिर्फ 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ 10 जीरो जा 0, 10 3 जा 30। नाउ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 जा 70। क्लियर? ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जीरो जा 0, 5 3 जा 50। नाउ 5 7 जा 35। आंसर हमें मिला है 300, 150, 70 एंड 35। इन सब को हम प्लस करेंगे और वी विल गेट द आंसर, दैट इज 555। सो देयर आर 555 चिल्ड्रंस इन ऑल वन ऑल ऑन द फील्ड। हमें मिल गया आंसर। सो दिस इज द ट्रिक विच वी एक्चुअली यूज, एंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी कैन
सो एक्सरसाइज वन मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग. सबसे पहला क्वेश्चन है 53 मल्टीप्लाई बाय 8. सो लेट्स जस्ट सॉल्व दिस इन योर नोटबुक. ऐसे आपको नोटबुक में कॉलम बनाना है एंड देन 53 मल्टीप्लाई बाय 8. ये लैटिक्स मेथड है. यू हैव टू ड्रॉ द स्क्वायर्स. तो ये मल्टीप्लाई का साइन है. और अब हम 53 को कैसे ब्रेक करेंगे. वी कैन राइट इट ओवर हियर कि 53 मतलब कितना. इट मींस 50 प्लस 3. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 एंड 3. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 8 से. सो हियर वी कैन राइट 8 जीरो जा 0, 8 फाइव जा 40. देन 8 थ्री जा हाउ मच, 8 थ्री जा 24. करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट मेथड इज टू एड दिस. अब हम इसे एड करेंगे लाइक 400 प्लस 24 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 424. सो दिस इज द आंसर. क्लियर. लेट्स डू द सेकेंड सम. सेकेंड सम का क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई बाय 9. सो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यहाँ हम लिखेंगे 9. अब 25 को हम ब्रेक करेंगे. सो 25 मतलब कितना, 20 प्लस 5. सो यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 5. 9 जीरो जा 0, 9 टू जा 18, 9 फाइव जा 45. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम इसे ऐड करेंगे. 180 प्लस 45 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5. 4 प्लस 8 हाउ मच, इट गिव्स 12. 2 यहाँ पर, 1 कैरी, 1 प्लस 1, 2. सो द आंसर इज 225. क्वेश्चन नंबर 3 है 86 मल्टीप्लाई बाय 5. सो हम पहले 86 को ब्रेक करते हैं. 86 मतलब कितना, 80 प्लस 6 एंड 5 तो एज इट इज यहाँ आ जाएगा. दिस इज 80 एंड दिस इज 6 मल्टीप्लाई. 5 जीरो जा 0, 5 8 जा 40, 5 6 जा हाउ मच, 5 6 जा 30. नाउ वी विल डू एडिशन, जहाँ पे 400 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 430. लेट्स सी द नंबर 4. 75 मल्टीप्लाई बाय 11. अब हमें दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा. सो 75 मतलब कितना, 70 प्लस 5. 11 मतलब कितना, 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11. तो ये है 70, यहाँ आएगा 5, ये है 10 और ये है 1. सो लेट्स जस्ट सॉल्व पहले 10 के साथ. 10 जीरो जा 0, 10 7 जा 70. नाउ 10 5 जा 50. Now 1. अब 1 से करेंगे, ठीक है. 1 0 जा 0, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5. Now we will do the addition, जहाँ पे हमें 700 plus 50 plus 70 plus 5 करना है and we can get the answer. For this you can do the calculation, जहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 700 plus 70 plus 50 plus 5. What will be the answer? Yes. So here 5 as it is. 7 plus 5 how much? It becomes 12. 2 yaha, 1 carry. And 7 plus 1 is 8. So the answer is 825. We got the answer. Let's see question number 5. This is question number 5. Question is 41 multiplied by 14. हमने कॉलम बनाया. 41 को हम ब्रेक करेंगे लाइक 40 प्लस 1. 14 को हम ब्रेक करेंगे एज 10 प्लस 4. सो 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 यहाँ, 10 प्लस 4, 10 एंड 4 यहाँ. नाउ लेट्स सॉल्व. 10 जीरो जा 0, 10 4 जा 40, 10 1 जा 10. अब हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई. 4 जीरो जा 0, 4 4 जा 16. देन योर 4 1 जा 4. अब हमें टोटल मिला है 400 प्लस 160 प्लस 10 प्लस 1. अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से लाइक 400 प्लस 160 प्लस 10 प्लस 4. सो 4 का एज इट इज 4 नीचे, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5. आंसर इज 574. गेटिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम.
Let's see sixth question. So the question is 68 into 12. We will first break the 68 and then 12. जैसे कि ये है 68, मतलब कि 60 plus 8. Then there is 12, मतलब कि 10 plus 2. So, हम लिखेंगे यहाँ 60, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 2. Now, 10 zeros are 0, 10 sixes are 60, 10 eights are 80, 2 zeros are 0, 2 sixes are 12, 2 eights are 16. Clear? Yes. Now we will add this all. जैसे कि 600 plus 120 plus 80 plus 16 हमें मिलेगा हमारा आंसर. अब ये आंसर निकालने के लिए we can do the calculation over here. जहाँ पे हम करेंगे 600 plus 120 plus 80 and plus 16. 6 as it is, 8 plus 2, 10, 10 plus 1, 11, 1 carry, 1 yaha, 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8. So, hamara answer hai 816. So, humne abhi exercise complete kar liya hai. Now, we will move to the multiplying a 3-digit number. Kyunki abhi tak hum 2-digit numbers karte aa rahe the, now we will move to the 3-digit number. So, 3-digit number ka sabse pehla number hai 100. 100, ठीक है. अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हम 100 को शॉर्टकट में ये जो दो जीरो है ना, उसे हम h भी लिख सकते हैं. सो 4 इंटू 1h मतलब 100, विच इज इक्वल्स टू 4 वन्स आर 4, 4h. h मतलब कितना जीरो? टू जीरोस. सो इट बिकम्स 400. यहाँ तक कि वी कैन सी अनदर एग्जाम्पल, दैट 6 इंटू 100, 600, जैसे हम 6h भी लिख सकते हैं. 2 इंटू 400, 2 4 जा 8, 0 0 एज इट इज, इसे हम 8h भी लिख सकते हैं. हियर इज अ क्वेश्चन, लाइक इफ 300 वेयर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट फॉर अ पिकनिक. पिकनिक जाना है, हम एक बच्चे से ले रहे हैं कितना? 300 रुपीज. तो वैसे ही 4 स्टूडेंट पेड ऑन द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे ही 4 स्टूडेंट्स ने पे कर दिया पैसा. सो व्हाट वाज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन द डे, ऑन दैट डे. उसी दिन 4 लोगों ने पैसे दिए, तो टोटल कितने पैसे आ गए थे उनके पास? अब हम सॉल्व करते हैं. कमल, टू सॉल्व दिस वी विल हैव टू टेक 300 4 टाइम्स. 300 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. ऐसा कमल ने कहा. महेंद्र, 300 मीन्स 300, 4 टाइम्स मतलब 300 को करना है. सो ऐसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन की हेल्प ले सकते हैं. मतलब 300 मीन्स 3h इंटू 4 करेंगे तो 3 4 इज 12h, और h मतलब कितना जीरोस? 2 जीरोस. सो इट विल बिकम 1200 या फिर 1200. जैसे कमल ने कहा, यस 1200 वर कलेक्टेड ऑन द फर्स्ट डे. क्लियर? सो मल्टीप्लीकेशन मेक्स द नंबर कैलकुलेशन इजी. That's why we take the help of multiplication. This is the next question, where if 40 students paid 300 each, what is the total amount of fees collected? अभी 40 students है जिसमें एक student का fees है 300 each, मतलब 300 rupees. So हम कैसे उसे calculate करेंगे? So 40 times हम 3 times 300 को करेंगे. Like 300 मतलब 3h मल्टीप्लाई बाय 40. सो 3 जीरो जा 0, 3 4 जा 12, कितना हुआ? 120h. h लिखा है मतलब h की वैल्यू क्या है? 2 जीरोस की. तो हम 120 के आगे पीछे 2 जीरोस लगा देंगे, तो टोटल कितना होगा? 12,000. सो व्हाइल मल्टीप्लाइंग 300 बाय 40, वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 टू गेट द 12 और 0 एज इट इज लिख सकते. So then we can place the two zeros from 300 and one zero from 40 in the front of the product 12. Clear? So जबी भी आप question देखो तो check करो इसमें कितने zeros है. 1, 2, 3. तो last में 3 zeros as it is आने चाहिए. So जो numbers हो गए सिर्फ उसी को multiply करके we will get the answer. This are some small tricks. Let's solve this exercise. Like carry out the following multiplication. यहाँ है 4h into 5. Now, 4h मतलब कितना? 400 इंटू 5. सो 100 मतलब कितना जीरोस? 2 जीरोस. तो वो पहले लिख दो.
फिर 4 5 20, सिंपल। अगेन ये है 300, 100 है ना, तो हम इसके जीरोस लिख देते हैं यहाँ पे, कितने जीरोस, 1 2 3 0 0, 3 2 6, आंसर क्या आया है, 6000। लेट्स सॉल्व दिस। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पहले कितने जीरोस हैं, यहाँ है 3 जीरोस, 1 2 3, तो हम 3 जीरोस पहले लिख लेते हैं, 1 2 3, 4 5 कितना, 20, सो आंसर इज 20,000, सिंपल। यस, अगेन ये भी वैसे ही है, कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो हम 3 जीरोस लिख लेते हैं, 1 2 3, एंड 6 8 हाउ मच, 48, सो ये हो गया 48,000, क्लियर। नाउ 35 × 200, तो 200 है ना, तो पहले से 2 0 लिख लो। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले किससे, 5 से, 2 5 हाउ मच, 10, 1 कैरी 0 यहाँ पे, 2 3 6, 6 + 1 7, आंसर इज 70, क्लियर। नहीं समझा तो हम वापस एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, वी कैन डू दिस इन द नोटबुक ऑल्सो। द क्वेश्चन इज 35 × 200, हम यहाँ पे नोटबुक में करते हैं 35 × 200, ठीक है, जिसमें से अगर 0 है पहले से तो वी विल राइट 0 एंड 0 पहले ही। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहां पे हम 35 × 2 कर सकते हैं, 5 2 10 कैरी, 3 2 6 + 1 7, सो ये हो गया कितना, 70, 7000, तो वही आंसर हमने यहाँ लिखा, 7000। ओके, अब 7 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 70 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे जब तब जाकर हमें 7000 मिलेगा, कितने जीरोज है यहाँ पे, 1, यहाँ कितने हैं, 3, तो उसमें से ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे, और 7 के टेबल में 7 कब आता है, 7 1s, तो 7 1s 7, ये 2 0 और ये 1 0 हो गया यहाँ पे, सो आंसर इज 7000, सिंपल। नेक्स्ट सम यहाँ पे है 700 + 2, 100 बोला तो मतलब कितना जीरोस, इट इज 2 जीरोस, 7 1s 7, 7 2s 14, और हम इसे हम 40h भी लिख सकते हैं। हियर इज 20 × 300, अब कितने जीरोस है, 2 0s 1 0s, हम पहले लिख लेते हैं, 1 2 3, 3 जीरोस, 3 1s 3, 3 2s 6, तो आंसर इज 6000। लेट्स सी 600 × 30, कितने जीरोस है यहाँ पर, टोटल 3 जीरोस है, सो हम 3 जीरोस लिख लेते हैं, 6 1s 6, 6 2s 12, 6 3s 18, सो आंसर इज 18000। नाउ 900 × 20, कितने जीरोस है, 3 जीरोस, तो हम जीरोस को पहले सेपरेट कर लेते हैं, 9 1s 9, 9 2s 18, अगेन द आंसर इज 18000। Here, 600 × 42, 6 में कितने जीरोज है, 2 जीरो, तो पहले हम 2 जीरो निकाल के रख देते हैं, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 6 by 42, इसके लिए अगेन वी कैन सी दिस मेथड वेर 600 × 42, तो जहां पर हमने 0 0 पहले निकाल के रख दिया, 42 × 6, 6 1s 6, 6 2s 12, 1 कैरी, 2 यहाँ पर, 4 5s 24, 6s 24 + 1 25, तो ये हो गया 25, सो द आंसर इज 25,200, 25,200 इज द आंसर। नाउ 15,000 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे नंबर्स आएंगे, तो देख लो कितने जीरोज है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो इसमें से हम 3 जीरोज लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये 2 डिजिट है तो ये भी 2 डिजिट है, 3 डिजिट के 3 जीरोस हमने लिख दिए। अब 15 के टेबल में कब 30 आता है, 15 2s 30 एंड 3 जीरोस एज इट इज, क्लियर। सो हियर वी हैव डन विद द सेकेंड एक्सरसाइज फ्रॉम योर टेक्सटबुक। Here we have done with the part 1 of multiplication. Stay tuned for part 2. For that, don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon.